आप देख सकते हैं क्या पानी। अरे भाई सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनोज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं घूमने आया हूँ धवलेश्वर, जो कि गोपालपुर के पास ही है, तो चलिए उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड भी आए हैं, देख सकते हैं। हाय करो, हाय हाय। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों जब आप आएंगे ये तो ये पहला गेट पड़ेगा, और इस तरफ से अगर जाएंगे तो आपको सी बीच तक ले जाएगा ये रोड। ये है इसका एंट्री गेट। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो इस तरह का कुछ है वो, ये मंदिर। ये एक टूरिस्ट प्लेस है, देख सकते हैं। ये है धवलेश्वर, बाबा धवलेश्वर का मंदिर, आप देख सकते हैं। आगे है, आपको दिखाते हैं आगे। तो इस तरह का कुछ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है धवलेश्वर टेम्पल, यहाँ का ये ग्राउंड है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे ज्यादातर लोग टूरिस्ट लोग ही आते हैं घूमने के लिए। बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए, ओडिशा टूरिज्म का एक अच्छा ही जगह है। आप देख सकते हैं ये है इसका अंदर मंदिर के अंदर जाने का गेट। यहाँ पे एक गेट है और उस तरफ भी एक गेट है। चलिए मैं उस तरफ से जाते हैं, चलिए यहाँ से यहाँ से चलिए उस तरफ चलते हैं। कपड़ा है उस तरफ से जाते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है, देखिए। तो चलिए चलते हैं आगे। इस तरह का कुछ दोस्तों, जब आप इस तरफ से आओगे तो इस तरफ अगर आप सीधे चले जाओगे तो देख सकते हैं उस गेट के उस तरफ जो कि समुद्र है, आप सी बीच है जाके आप देख सकते हैं, आपको बाद में दिखाएंगे। चलिए फिर पहले मंदिर के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अब उस साइड हम आ गए हैं, देख सकते हैं ये है इसका एंट्री गेट दूसरा। चलिए आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो ये है इसका दूसरा एंट्री गेट, देख सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो इस तरह का कुछ है मंदिर, देख सकते हैं ऊपर से इस तरह सा दिखता है। मंदिर। तो चलिए नीचे चलते हैं, ऊपर अच्छे से दिखा देते हैं आपको। कुछ इस तरह का कुछ गेट है। चलो चलो नीचे चलते हैं, चलो। तो दोस्तों ये है मंदिर और ये इस तरह का कुछ दिखता है। ये वो गेट है जिसके तरफ से अभी हम आए हैं, और वो वाला गेट जो मैंने पहले आपको दिखाया था
उस तरफ से भी आप आ सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। और कुछ नहीं है, इस तरह कुछ है यहाँ का माहौल। ये है मंदिर, देख सकते हैं। तो चलिए चारों ओर थोड़ा घूम लेते हैं क्या क्या है। इसका दूसरा इस साइड का है, ये गणेश जी का मूर्ति है इस तरफ देखो। यहाँ पे और एक छोटा सा मंदिर है, एक और छोटा सा मंदिर है जो कि माँ संतोषी का है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे कुछ मूर्तियां भी हैं, देख सकते हैं इसको पूजा किया जाता है। इसका नाम क्या है मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पे है कार्तिक भगवान, कार्तिक का मूर्ति है यहाँ पे। सूर्य नारायण नमो नमः मार्तंड भद्रमाय प्रकाश मूर्ति सूर्य नारायण नमः। माता पार्वती का मंदिर ओम तमिच्छो देवितं पुरस्ता शुक्र भृत्यर्ते पश्यमे सरसनाय नमः। चलते हैं आवाहयामि हम जीवा जीव सर्वा। ये था मंदिर का राउंड अप। तो चलिए अभी बाहर चलते हैं, जाते हैं सी बीच के ओर। तो चलिए सी बीच चलते हैं। तो दोस्तों मंदिर तो घूम लिए, अभी चलते हैं सी बीच देखने के लिए। तो दोस्तों मंदिर के आगे जब आप निकलेंगे तो उसके बाद ये गेट पड़ेगा, उस गेट के उस पार है सी बीच। तो चलिए चलते हैं सी बीच देखने के लिए। दोस्तों ये है सी बीच, देख सकते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। चलो चलो चलो, इस तरह से दिखाई दे रहा है समंदर। दोस्तों ये है गोला गोपालपुर का जो आर्मी ट्रेनिंग सेंटर है, ये है वो आर्मी ट्रेनिंग सेंटर, इसका बॉर्डर है ये। क्या दिखाई दे रहा है समंदर। तो दोस्तों ये है सी बीच, कुछ इस तरह का दिखता है सी बीच। अगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं गोपालपुर जाना तो यहाँ से आप चल के भी जा सकते हैं, यहाँ पर 4 किलोमीटर है, लेकिन अभी के लिए ये बंद कर दिया गया है, यहाँ से अभी आप नहीं जा सकते, ये बंद कर दिया गया है क्योंकि इस तरफ से हमारा जो आर्मी का कैंप है इस तरफ से परीक्षण होता रहता है गोलियों का, इसलिए ये बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं क्या पानी, अरे भाई इतने दूर तक, अरे भाई
इतना बड़ा है इसमें। कोई भी यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, थोड़े बहुत लोग हैं दो चार को छोड़ के और कोई भी नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है, सिर्फ हम चार, हम तीनों हैं और कोई भी नहीं है। और समंदर ही समंदर, अरे भाई क्या नजारा है। तो यहाँ पे बोट भी है, कुछ बोट भी हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं होगा, वहां पे कुछ बोट भी हैं। बोट तो दोस्तों कैसा लगा ये जगह आप कमेंट में बता सकते हैं, और एक बार आके जरा घूम के जाएगा गोपालपुर, गोपालपुर के पास ही है ये धवलेश्वर, आके एक बार घूम के जरूर से जाना। देख सकते हैं कितना ही सुंदर जगह है। तो दोस्तों ये था धवलेश्वर, जो जगह आपको मैंने अभी दिखाया। ये जगह कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए रहते हैं, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।